पहली बार नगर परिषद बनने के बाद ही वार्ड नंबर 5 से कई प्रत्याशी कूदे चुनावी मैदान में। जनता ने कहा कि एक ही विकल्प मनीष कुमार। नगर निकायों के चुनाव को लेकर लगातार 3N की टीम ग्राउंड से जाकर पुराने जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया काम एवं नए जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता का सुझाव जानने की कोशिश कर रही है। इसी बीच हमारी टीम पहुंची हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 5 में, जहां पर जनता ने बताया कि मनीष कुमार जैसे युवा प्रत्याशी ही क्षेत्र का विकास कर सकते हैं और चुनाव से पहले भी कई मामलों को लेकर के कई समस्याओं में मनीष कुमार जनता के साथ खड़े रहते हैं। इसको लेकर वार्ड नंबर 5 की जनता ने पूरी मूड बना ली है। अपने मत का प्रयोग मनीष कुमार को देख कर ही करेंगे, ताकि क्षेत्र शिक्षित, स्वास्थ्य एवं सड़क की बेहतर व्यवस्था के साथ आने योजनाएं भी धरातल पर उतर सके। पटना से विकास कुमार की रिपोर्ट। नगर परिषद वार्ड नंबर 5 में घूम रहे हैं और पहली बार यह क्षेत्र जो है कि नगर परिषद में जुड़ी है, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी वादा किए थे कि हर घर हम नल का जल पहुंचाएंगे, तो नल का जल पहुंचाने का तो वादा फेल हो गया, लेकिन बारिश का जल आप हर घर पहुंचा दिए। चाहे आप पूरे हाजीपुर नगर परिषद की बात करें, आप किसी घर में चले जाइए, बारिश का जल आपको हर घर में मिलेगा। चलिए आइए, आपका नल का जल क्यों नहीं पहुँचा है वो बताते हैं। यहाँ पे एक पाइप है, छोटी सी आपको दिखाई दे रही होगी, ये कोई आम पाइप नहीं है, बल्कि यह दबा हुआ पाइप नीतीश कुमार जी के सपना है। ये सपनों का पाइप है जिसको आपके जनप्रतिनिधियों ने दबा दिया है। इसलिए दबा दिया है, अब उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो काम है पाइप का वो हर घर नल का जल पहुंचाना है, और इससे कनेक्ट भी कहीं ना कहीं पाइप मिलेगी ही, और इससे कनेक्टिंग पाइप हमको देखिए। आइए, आपको नीतीश कुमार जी का दबा हुआ सपना जो है इसको दिखाते हैं, और ये दबा हुआ सपना ही यहाँ दबी हुई है, और आगे की सपना जो है आप देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की ये 7 निश्चय योजना जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका ये काम किया हुआ है। सोचिए कि कितने ईमानदारी से यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के वार्ड सदस्य, यहाँ के प्रतिनिधि जो है कि काम किए होंगे। चलिए यहाँ की जनता से हम जान लेते। अच्छा, नल जल भी नजर आ गया, चलिए थोड़ा सा नल का जल भी देख लेते हैं। अरे भैया, तो घर वाला घर में रख दिए हैं क्या इसको निकाल के? नहीं सर, आप घर में रख दिए हुए? नहीं, नहीं लगा है। नहीं, ना लगा है। सुनिए, झूठ झूठ नहीं बोलिएगा आप, तो देखिए सब लोग बुझ रहे। सुनिए सुनिए, पहले बात सुनिए, नीतीश कुमार जी कहे हैं कि पंचायत के अंतिम तबका तक पूरे बिहार में एकदम नल का जल मिल रहा है। आप, नल का जल नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, ऐसे ही लगा हुआ है। कितना दिन से लगा है? साल भर से लगा हुआ है। मुखिया जी जो थे उनसे नहीं पूछे कि पूजा उजा करने के लिए लगा दिए हैं का? मुखिया जी वोटे भर रही थी, बाद अभी ना मतलब है कि मनीष कुमार के ना वोट मिलेगा तो खोल। अच्छा देखिए, हमको नहीं पता आप किसको वोट दीजिएगा, वो आपका काम है, आप सोचिए। मुखिया जी वोट मांगे आए थे? हाँ आए थे, वोट दिए थे आप उनको? मुखिया जी के वोट मिला है ना? तो नहीं मिला। तो जब मुखिया जी के वोट देवे किए तो अभी कहे नहीं काम हुआ? उनसे नहीं पूछे कभी कि हमारे अधिकार कहाँ है? ओकरा बाद दिखाई कहाँ देता है? नली गली बना है ना, लाइट उठ समय पे आता है, कुछ रोड पे लाइन लगा है ना? नहीं लगा। अच्छा, एक बार आप लोग वृद्धा पेंशन मिलता है दादी? हाँ, आप लोगों को मिलता है। चलिए, ये काम बढ़िया किए हैं आपके मुखिया जी, ये बताइए अब कि इस बार, अच्छा इसे पता है आप, पीछे जो घर है वो हर साल डूब जाता है, सही बात है? हाँ, सही बात, सही बात है दादी। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक बार बताइए, अब आप लोग शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, पिछली बार मुखिया जी वादा करके गए हैं और वो तो देख ही ले नल का जल कितना पहुँचा दिए, अब की क्या सोच रहे हैं? फिर नए नए नेता लोग आएंगे वोट मांगने की, कन्ने पलरा भारी रहेगा? मनीष कुमार, मनीष कुमार कन्ने पलरा भारी रहेगा? मनीष कुमार। अच्छा, आप बुजुर्ग है, आप झूठ नहीं बोलेगा? बुआ तनी हटो तो तनी, दोनों दादी के बीच में हमको बैठने दीजिए और हम दोनों दादी से एक साथ बात करेंगे, तो आप भी मनीष कुमार पे। हाँ। अच्छा दादी, आप दूसरा के दीजिएगा ना? ना, हमार मनीष कुमार हमार है, तो हम प्रादम की दूसरा। मनीष कुमार आपका है, मनीष कुमार के दीजिएगा। हाँ। क्या है, कभी सुख दुख में शामिल हुए हैं आपके? हाँ। कभी काम किए हैं आपका कोई काम? अब मुखिया होती ना, अब तो पहले हमारा कैसे कह दू, पहले कभी मदद किए हैं? हाँ, नहीं, आपका है, आप बोलिएगा, आपको मदद किए हैं? हाँ, मदद किया है ना। अच्छा, आपको मदद किए हैं? अच्छा, आप लोग मदद किए हैं इसीलिए मनीष कुमार को। अच्छा, एक बात बताइए, बिना जब कुछ आप मनीष कुमार को नहीं बनाए तब आप लोग को मदद किए, कुछ बना दीजिएगा तब आपको भी उम्मीद है कि वो जो बाकी जो प्रतिनिधि थे उनके तरह जो है कोई धोखा नहीं देंगे, वो सही काम करेंगे, इतना विश्वास है मनीष कुमार पे? विश्वास है तब ना ही बोल रहे है, 5 साल बाद आपसे भी जाके पूछेंगे हम। हाँ, चलिए अब चलते हैं सीधे अंदर और वो बस्ती दिखाते हैं जो पिछले साल 8 महीना डूबा था। हम खोज रहे हैं कि कहीं शायद हमको नली मिल जाए,
लेकिन इस नली गली में अब सोच लीजिए कि ढलाव है, बिहार के इंजीनियरों की कमाल है भाई कि यहाँ पे ये तो ढलाव होगा ही, और ढलाव की स्थिति में रोड पर का जो पानी है वो नीचे की ओर आएगा और नीचे जब आएगा तो ये पूरी लंबी बस्ती है वो डूबा हुआ मिलेगा। और देखिए एक बार यहाँ से तस्वीर को पूरा दूर तक दिखाइए कि यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को चाहिए था यहाँ पे नली गली और यहाँ पे जो है कि व्यवस्था कच्ची पक्की का कम से कम करे ताकि यहाँ पे पानी का बहाव सही हो। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। आप ही का घर है क्या? अच्छा, सुनने में आया कि पिछला साल 8 महीना ये क्षेत्र डूबा हुआ था, सही बात है? हाँ। तो आप लोग कैसे मतलब किए रहते थे, समस्या होती थी? बहुत समस्या, हमको आंगन में पानी था। आपके आंगन में पानी घुस गया था? हाँ। तो कितना मतलब कैसे रहते थे, 8 महीना आंगन में घर में पानी रहेगा तो कैसे रहिएगा? कैसे रहेगा, मनीष कुमार के वोट देंगे तो मनीष कुमार। अच्छा, मतलब पहले ही है, आपको सिखा के भेजा गया है पक्का, मतलब मनीष कुमार के वोट। हम कहाँ पूछे कि आप किसको वोट दीजिएगा, हम पूछे हैं कि क्या तकलीफ होता था 8 महीना? कोई आया था खोजने, नेताजी लोग मंत्री जी को वोट दिए थे, आया था आप मिलने? अरे वा, कोई वार्ड मुखिया कोई तो आया होगा, 8 महीना डूबल रहिएगा, सांसद विधायक कोई आया था? कोई नहीं आया है। तो मनीष कुमार आए थे जो आप कह दिए कि मनीष कुमार को वोट देंगे? हाँ, मनीष कुमार के देंगे। नहीं, 8 महीना आप डूबल थे तो मनीष कुमार देखने आए थे जो आप बिना बोले कह दिए मनीष कुमार को वोट देंगे? मनीष कुमार आए थे, बाकी कोई नहीं आया था? चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, एक ही मुद्दा होगा। हाजीपुर नगर परिषद जो है कि सबसे ज्यादा परेशान है जल जमाव से, सबसे ज्यादा यहाँ समस्या है जो जल जमाव की है, और ये वही इलाका में खड़ा है जहाँ पिछले साल पूरे 8 महीना इस एरिया में, इस इलाका में पानी लगी थी। और कुछ महिला, आपका घर है क्या? हाँ। नीचे उतर के आइए ना, बात करते हैं। जब नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे। आपका घर तो नहीं डूबा हुआ, ऊंचा पे है आपका घर? पानी था। अच्छा, यहाँ पर भी इतना पानी आ गया? अच्छा, तो मतलब ये तो पूरा फिर भरा होगा? हाँ, पूरा भरा था, इतना पानी था तो नहीं था। कैसे अपना काम करते होइएगा यहाँ, चूंकि देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, बाजार जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कॉलेज जाना है, कैसे ये सब काम होता है? पानी हेल के जाते थे, और कैसे जाते थे, डर लगता था? हाँ, तो डर नहीं लगता है पानी में। तो उस समय कोई नेता मंत्री विधायक जी मुखिया जी तो आए होंगे ना? नहीं, कोई नहीं। मुखिया जी आपके बगल? नहीं, कोई मुखिया जी तो गाँव के बगल के ना, गाँव के तो कहाँ है। वार्ड सदस्य तो आया होगा? कोई नहीं आए, इतना पानी में हमसे कष्ट किए साल भर 8 महीने, तो कहाँ कोई आए? कोई नहीं। अब तो चुनाव आ गया, अब तो रोज 2-4 सुबह शाम प्रणाम करने आएगा। हाँ, प्रणाम करने आएगा, वोट ले लीजिएगा, हो गया काम, वोट दीजिएगा। हाँ, तो वोट देंगे ना? किसको दीजिएगा? देंगे मनीष कुमार के, और किसको देंगे? मनीष कुमार को क्या दीजिएगा, वोट देंगे। सब कह रहा है की मनीष कुमार को वोट देंगे, क्या बगल में वो देख रहे थे, किसको वोट देंगे? अच्छा, हम अपना घर आपके बगल में बना लेंगे तो आप दीजिएगा वोट हम? तो काहे नहीं देंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए 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 सुनिए, पहले बगल में इसलिए कोई वोट देता है? अरे अच्छा आदमी होंगे, बढ़िया काम करेंगे तब वोट दीजिएगा। बढ़िया करेंगे तब ना देंगे वोट? बढ़िया किए आज तक, आपके सुख दुख में शामिल होते हैं? हाँ, तब की 8 महीना डूबल थे, आए थे? हाँ, तो घेरे है मचान, सब चहर चहर के जाते थे पानी में। अच्छा, मचान वही घेरे थे? हाँ, तब की। अब समझ में आप क्यों मनीष कुमार के लिए लड़ रहे थे, तो लगता है आप पिटिएगा नहीं हमको सिर्फ। हाँ, चूंकि भाई मनीष कुमार के लिए लड़ाई काफी यहाँ भयंकर है, और यहाँ पे अभी की खबर में निकल के आ रही है जिस समय 8 महीना ये इलाका डूबी हुई थी उस समय मनीष कुमार ने यहाँ पे कह सकते हैं चचरी पुल का निर्माण किया जिससे कि लोगों का आवागमन जो है कि और सुचारू। आपका ये घर आपके लोग का है क्या? अच्छा, ये नल जल इधर कहीं नजर नहीं आ रहा है? ये सो में खड़ा है, देखो जैसा, और देखिए जूम करके देख, एक पाइप हमको नजर आ रहा है सर, ये नल जल का पाइप है क्या? ये जो है देखिए नल जल का पाइप किस प्रकार से नीतीश कुमार जी, वो भी टूटा हुआ पाइप है, और जूम करके टूटा हुआ पाइप टेप मार करके जोड़ करके। अच्छा चलिए चलिए घर में चलते हैं, आपका यहाँ नल का जल दिखाते हैं। ये बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और जल मिल रहा पूरे बिहार है, देख लीजिए इसी से आपका जल आता है, देख लीजिए। नीतीश जी, आप अपने ईमानदार मुखिया को, ईमानदार वार्ड के, भले ही पता नहीं क्या सोच के पहली बार जो है कि आपने इस क्षेत्र को नगर परिषद में जोड़ दिया है, उम्मीद है कि आपके नगर परिषद में जोड़ने के बाद क्षेत्र का कुछ विकास होगा। ये आपका घर है, ये कैसे कचरा में जाइए? ये नहीं तो सिर्फ उतर जाइए इधर थोड़ा सा, ये कचरा में कैसे उतर के ही जाइएगा एकदम? बाहर आपका काम नहीं बनता है, बाहर का काम नहीं पड़ता है? है ना, सब काम बाहर के है। तो कैसे जाते हैं कचरा में उतर करके? अभी दिक्कत है, तनका ज्यादा पानी होते हैं तो सुविधा कर देते हैं।
कौन कर देते हैं? मनीष जी करते हैं सुविधा। हम कहाँ पूछे हैं आपसे कौन सुविधा करता है, अपने बोल रहे हैं मनीष जी सुविधा कर देते हैं, मतलब इनके सारा काम मनीष जी करते हैं। तब है उनको जिम्मेदारी तो वही ना करेंगे। जिम्मेदारी वो कैसे ले लिए, न वार्ड है न मुखिया है, अभी आप लोग बता रहे हैं कि कर देते हैं तनखा। अच्छा आप समस्याएं पढ़ते हैं तो वो अपना समझ के वो पूरा कर देते हैं। करो भी पीछे जाने की अति है, मतलब कि वो जो भी समस्या होते हैं सामान्य तौर पे वो देखते हैं कर लेते हैं। अच्छा पिछली बार सुनने में आया है कि 8 महीना ये क्षेत्र डूबा हुआ था। हाँ तो तुरंत मदद कर दिए थे, मतलब कि बना कौन कर दिए थे? वही किए हैं। कौन वही, हमको क्या पता, हम पटना किए हैं, मनीष जी किए हैं जी। क्या मदद किए थे? मदद किए थे कि बांस के पुल बना दिए थे, चचरी वाला पुल बना दिया। हाँ, काहे कि उनको भी जरूरत थे और आदमी का जरूरत थे तो सबके लिए बना दिया। चलिए भाई अपने दिल से जानो पड़ा, दिल के हाल वही वाली यहाँ बात हो गई। शायद मनीष कुमार इन लोग तकलीफ समझते होंगे इसलिए बना दिए होंगे, मुझे इससे कोई खासा मतलब नहीं है। लेकिन एक एक नल का जलाया है दादी? क्या है नल का जल? अखनी नहीं है। तो अब कब आएगा? या 2 बार से मुख्यमंत्री जी 8वां बार नीतीश कुमार 8वां बार शपथ ले लिया, अभी तक आपके पास नल का जल नहीं है। करती रहे तो नती रगेर, तो अब फिर अगला में आदमी हो तो कौन ध्यान हो तो अगला में। अब तो शहर में आप रहने लगे, शहर में फिर हम नया नया आएगा लोग वोट मांगने के। वोट होगा तो मतलब